प्रिय छात्रों, आज के इस व्याख्यान में मैं आपको राजस्थानी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का प्रतिनिधित्व करने वाला काव्य ढोला मौर्रा दोहा, उसकी व्याख्याओं का सरलार्थ बताना चाहूँगा कि ढोला मौर्रा दोहा की कौन कौन से दोहे हैं, इन दोहों का क्या अर्थ है और उसमें किस प्रकार की कथा प्रकट हुई है, उसके बारे में मैं आपको जानकारी प्रदान करना चाहूँगा। तो इस सरस लोकगाथा का पहला दोहा जो आपकी पाठ्य पुस्तक में है वो है पहला, ढाडी जय साहिब मिलई यूं दाख विया जाई, जोबन कमल विकास यूं भमर न बैसई आई। यानी ये राजस्थानी भाषा है और ये राजस्थानी भाषा को हम पश्चिमी राजस्थान, जिसको हम मारवाड़ बोलते हैं, और मारवाड़ में जो बोली बोली जाती है वो मारवाड़ी भाषा है। तो ये मारवाड़ी भाषा में या राजस्थानी भाषा में लिखे गए ये दोहे हैं, जिनकी भाषा करीबन 500-600 वर्ष पुरानी भाषा है। ढाडी, ढाडी कहते हैं संदेशवाहक को या राहगीर को। तो ढाडी जय साहिब मिलई, यानी यह मारवाणी के विरह वर्णन से संबंधित दोहा है और इसमें मारवाणी अपने प्रियतम ढोला को ढाडियों के माध्यम से संदेश भेजती हुई कहती है। क्या कहती है? ढाडी हे संदेश वाहक, जब साहिब मिलूं, अगर आपको मेरा प्रियतम मिले तो यूं दाख बिया जाए, तो आप इस प्रकार से कह देना, जोबन कमल विकास्यूं, यानी कि यौवन रूपी कमल विकसित हो गया है, भमर न बसई आए, अब आप इस पर यौवन रूपी कमल पर मंडराने के लिए क्यों नहीं आते। तो इस दोहे में मारवणी अपनी विरह व्यथा को संदेशवा के सामने प्रकट करती है और इसमें अपनी विरह व्यथा वो उसको कहती है कि मेरे शरीर में अब यौवन रूपी कमल छा गया है, तो आप भंवरे के समान आकर के इस पर गुंजायमान हो या इसका आनंद लें। तो इस प्रकार से इस दोहे का ये अर्थ है। दूसरा है, ढाडी एक संदेश डों ढोलई लगी ले जाए, जोबन चांपों मयूरों कली ने चूंटई आए। तो इस दोहे में भी मारवणी अपनी विरह से संबंधित बातें राहगीर से कहती है, संदेश वाहक से कहती है। ढाडी, ढाडी का मतलब संदेश वाहक, राहगीर या संदेश ले जाने वाला व्यक्ति। एक संदेश डो, मारवणी कहती है कि हे संदेश वाहक, हे ढाडी, एक मेरा संदेश ये कह देना, ढोलई लगी ले जाए, ढोला तक ले जाना या ढोला तक मेरा ये संदेश पहुंचा देना। क्या? जोबन चांपों मरियू, यानी मेरा यौवन रूपी जो वृक्ष है वो नष्ट होने वाला है, कली ने चूंटई आए, अब इस वृक्ष की आप कली जो पत्ते हैं वो चूंटने के लिए क्यों नहीं आते, यानी इनका उपभोग करने के लिए आप मेरे पास में क्यों नहीं आते। जोबन चांपों, यानी चंपा रूपी जो यौवन है वो मरने वाला है, नष्ट होने वाला है, कली ने चूंटें आए, फिर आकर आप इसकी कली ही चूंटेंगे। तो इस प्रकार से मारवणी इस दोहे में भी राहगीर से अपना विरह वेदना प्रकट करती हुई कहती है कि ये संदेश मेरा ढोला तक पहुंचा देना। तीसरा है, ढाडी एक संदेश डों ढोलई लगी ले जाए, कर्ण पाकों करसण हो भोग लियो घर आए। यानी इसमें भी मारवणी कहती है कि ढाडी एक संदेश डों ढोलई लगी ले जाए, यानी ढोला तक ले जाना या ढोला को यह कह देना, कर्ण पाक्यों यानी करसण हुयों, यानी कृषि में जो खेती की थी उस कृषि के यानी अनाज पक गया है, उसके कण पक गए हैं, भोग लियो घर आओ, और वो कृषि रूपी यानी अनाज का भोग करने के लिए आप आ जाना,
इस प्रकार से मारों ने संदेश वाह को कह दिया। कण पाक्यों यानी फसल पक गई है, कर्षण हुयों यानी कृषि रूपी खेती पक गई है, भोग लियो घर आए, अब इस खेती रूपी कृषि को या कृषि रूपी खेती को आप घर आकर के इसको भोग सकते हैं। तो इस प्रकार से मारवणी यह संदेश वाक से कहती है। ढाडी एक संदेश नो ढोलई लगी ले जाए, जोबन फटी तलावड़ी पालन बांध काई। यानी मारवणी इस दोहे में भी ढाडियों को एक संदेश देती है और ये कहती है कि मेरा ये संदेश बगला तक पहुंचा देना और आप जाओ तो इस संदेश को आप ले जाना। जोबन फटी तलावड़ी यानी यौवन रूपी तालाब फटने वाला है, पाली ने बंध हूँ आए काई, तो आप जब फटी जाएगा तो इस पर आकर के पाल बांध कैसे बांधोगे आप। तो इस प्रकार से मारवणी राहगीर को या संदेश वाहक को ढाडी को अपने हृदय में उमड़ने वाली बातों को एकदम से स्पष्ट रूप में उसको कहती है कि आप अगर नरवरगढ़ में जाओ तो ढोला तक मेरा यह संदेश पहुंचा देना, क्योंकि आपको पता होगा कि नरवरगढ़ के राजा नल का जो पुत्र था ढोला, जिसका पूरा नाम था साल्य कुंवर ढोला, उसका यानी बचपन में ही मारू के साथ में विवाह कर दिया गया था। जब वो 1.5 वर्ष की थी और ढोला 3 वर्ष की अवस्था का था तब दोनों का विवाह कर दिया गया था। और जब मारवणी बड़ी हुई तो उसकी सखियां उससे कह देती हैं कि बचपन में तेरी शादी हो चुकी है। तो इसके बाद में मारवणी अपने प्रियतम को ढाडियों के माध्यम से संदेश भेजती है और उसी के साथ कहती है कि यौवन रूपी तालाब फटने वाला है, अब आकर के आप इसकी पाड़ कब बांधोगे। तो इस प्रकार से मारवणी अपनी विरह से संबंधित अपने हृदय में जो भाव उमड़ते हैं उन भावों को ढाडियों के समक्ष प्रस्तुत करती है कि आप मेरा ये संदेश ढोला तक पहुंचा देना। पंथी एक संदेश डो लग ढोल पहचाए, विरह महादव जाग यूं अग्नि बुझावन आए। यानी इस दोहे में भी मारवणी अपनी विरह वेदना को ढाडियों के सम्मुख प्रस्तुत करते हुए कहती है कि मेरा ये संदेश भी आप ढोला तक पहुंचे देना। क्या है? विरह महादव जाग्यूं यानी विरह रूपी महादेव यानी मेरे शरीर में जगने लग गया है या उमड़ने लग गया है। अग्नि बुझावन आए, अब मेरे शरीर में जो यौवन रूपी दावनल अग्नि जल रही है उसको उस अग्नि को आप आकर के कब बुझाओगे। यानी उसके शरीर में जो यौवन रूपी अग्नि उमड़ रही है उस यौवन रूपी अग्नि को आप आकर के कब उसको शांत करोगे या बुझाओगे या नष्ट करोगे। तो इस प्रकार से मारवणी ढाडियों के माध्यम से अपना संदेश भेजती है। अगला दोहा इस प्रकार है। पही भमंता जय मिलई तऊ प्री आंखें भाई, जोबन बंधन तोड़ियो बंधन घातुं आए। यानी मारवणी फिर यानी ढाडियों को कहती है कि पही हे पथिक हे संदेश वाहक, भ्रमणता जय मिलो, अगर भ्रमण करते हुए तुझे मेरे पति नरवरगढ़ के राजा नल के पुत्र साला कुंवर ढोला मिले तो आप तौ प्रिय आंखें भाई, तो इस प्रकार से कह देना कि हे भाई जोबन बंधन तोड़ियों यानी यौवन है वो बंधन तोड़ने वाला है, बंधन घातों आए, अब इस पर आप लगाम कब तक लगाओगे, अब इस पर आप कब तक इसको बांधोगे। तो इस प्रकार से यौवन बंधन तोड़ी यौवन रूपी बंधन है वो तोड़ने वाला है यौवन, बंधन घातों आए यानी कब आकर के आप इस पर बंधन लगाओगे। तो इस प्रकार से मारवणी अपने प्रियतम को ये संदेश ढाडियों के माध्यम से कहती है। अब इससे अगला संबंधित जो दोहा है वो है, पंथी एक संदेश डों लग ढोले पहचाए, तन मन उत्तर वालियों दक्षिण वाजई आए। यानी मारवणी अपने प्रियतम ढोला को संदेश देती हुई कहती है कि हे पथी को हे राहगीरो, अगर भ्रमण करते हुए आप जाओ नरवरगढ़ और अगर घूमते हुए भी जाओ
तो मेरा यह संदेश दोहला तक ऐसे पहुंचा देना, तन मन उत्तर वालियों यानी उत्तर से आने वाले शीत के कारण मेरा यानी तन मन सब जल रहा है, तो आप दक्षिण दिशा में बहने वाले वायु के समान आकर के मेरे शरीर को शांत कब करोगे, मेरे शरीर की जो यौन रूपी ज्वाला है उस ज्वाला को कब शांत करोगे। तो इस प्रकार का विरह वर्णन इस ढोला मारुरा दुहा जो एक राजस्थानी सरस लोक गाता है, इसमें बहुत ही मारवणी का अच्छा विरह वर्णन है। तो इस विरह वर्णन में भी मारवणी यानी संदेश वाह को ये संदेश देती है कि मेरे शरीर की जो स्थिति हो गई है उस स्थिति को आप कब तक संभालोगे। तो इस प्रकार से इसमें अलग अलग दोहों के माध्यम से इसके अर्थ हैं। अब अगला देखिए, पंथी एक संदेश डऊं लग ढोलई पहचाए, विरह महाविष तन बसई ओखत दिए न आए। हे पंथी, हे संदेश वाक, अगर भ्रमण करते हुए आप नरपर कर जाओ तो मेरा ये संदेश ढोला तक कह देना। विरह महाविष तन बसई यानी विरह रूपी जहर मेरे शरीर में बसने लगा है। ओखत दिए न आए, अब इस विरह रूपी जहर को मारने के लिए आप मेरे को आकर के कब औषधि या दवाई देंगे जिसके कारण मैं ठीक हूँ। तो इस प्रकार से मारुणी का विरह वर्णन इस पद्यांश में देखने को मिलता है। पंथी एक संदेश में लग ढोले पहचाए, विरह बाघ वनी तनी बसई सेहर गाजे आए। पंथी एक संदेश लो, अगर आप भ्रमण करते हुए जाओ तो मेरा ये संदेश कह देना। विरह बाघ वाघ वनी तनी बसई यानी विरह रूपी व्याघ आकर के तन और मन में बसने लग गया है। शहर गाजे आप, अब शेर की भांति गर्जना करके आप मेरे इस विरह रूपी जो बाघ है उसको कब आप दूर करोगे। तो इस प्रकार से इसमें भी यानी शेर के समान आकर के आप मेरी सुध कब लेंगे, कब गर्जना करेंगे, जिसके मारे यानी अन्य जो हैं वो शरीर की जो चिंताएं हैं वो दूर कब होंगी। पंथी एक संदेश डो लग ढोले पहचाए, धन कमलानी कमदनी शिशर उग गई आए। यानी हे ब्राह्मण, हे पथिको, हे राहगिरो, हे घुमंतुओं, जब आप नरपरगढ़ जाओ तो मेरा ये समाचार पहुँचे देना। धन कमलानी यानी कुमुदनी यानी मेरी स्थिति यानी कुमुदनी के समान हो गई है और आप यानी सूर्य के समान रोशनी कब फैलाओगे। शिशर उग गई आए यानी चंद्रमा के समान आकर के आप मेरे पर कब कृपा करोगे, मेरी कब शुद्धि लोगे। तो इस प्रकार से इस दोहों में भी यानी उसकी स्थिति कुमुदनी के समान हो गई, जिस प्रकार से कुमुदनी यानी चंद्रमा के प्रकाश में प्रकाशित होती है, तो उसी प्रकार से हे पति आपके आगमन पर ही मेरा विकास हो सकता है और मेरे को सब चंद्रमा के समान जैसे कुमुदनी को अच्छा लगता है उसी प्रकार मेरे को भी अगर आप मेरे पास में आओगे तो अच्छा लगेगा। पंथी एक संदेश लो लग ढोले पहचाए, धन कमलानी कमलनी सूर्य उग गई आए। अब यानी वो स्थिति ऐसी हो गई कि कुमुदनी के समान हो गई है, आप सूर्य बन करके यानी कब आओगे और तब कब आओगे, तो सूरज उग गया, सूरज के उदय होने पर जिस प्रकार से यानी कमल खिल जाते हैं उसी प्रकार से आप कब सूर्य बन करके मेरे पास में आओगे। तो इस प्रकार से मारुणी अपना विरह ढाड़ियों के माध्यम से भेजती है। पंथी एक संदेश लो लग ढोले पहचाए, जंघा के लिए फलेगी स्वातु बरसई आए। यानी मेरा ये संदेश ढोला तक पहुँचा देना कि जंगा रूपी जो केलनी है वो वृक्ष फल गया है, स्वाति जो वर्षा है आप स्वाति नक्षत्र बन करके आप इस पर कब वर्षा करोगे। तो इस प्रकार से मारवणी संदेश वाहकों के सामने अपना संदेश भेजती है। पंथी एक संदेश डो लग ढलो पे जाए, सावज संबल तोड़ सू वे सासणी ने जाए। यानी ये संकल रूपी यानी जो मेरा यौवन है ये बंधन को है जो वो तोड़ने वाला है, तो आप आकर के इस पर कब तक लगाम लगाओगे। तो इस प्रकार से ढोला मारुरा दोहा में जो विरह के दोहे हैं और मारुणी का विरह वर्णन है, वो विरह वर्णन यानी इससे 150 के आसपास ढोला मारुरा दोहा में ऐसे दोहे हैं जिसमें मारुणी का विरह वर्णन है और मारुणी ढाड़ियों के माध्यम से, संदेश वाहकों के माध्यम से, राहगीरों के माध्यम से अपनी पीड़ा भेजना चाहती है नरवरगढ़ के राजा नल
के पुत्र ढोला जो मारवणी का पति था, और इस प्रकार से इस काव्य में एक सच्चे प्रेमी के हृदय की जो बातें होती हैं, जो उसके मन में इच्छाएं होती हैं, इन्हीं इच्छाओं को लेकर के मारवणी का विरह वर्णन राजस्थानी बड़ा ही प्रसिद्ध है। तो प्रिय छात्रों, आज के इस व्याख्यान में मैंने राजस्थानी प्रेमाख्यान ढोला मारोरा दोहा है, उस दोहों की जो दोहे थे उनका मैंने आपको सरलार्थ बताया है। ये ढोला मारोरा दोहा यानी राजस्थान में सभी विश्वविद्यालयों में चलता है, तो परीक्षा की दृष्टि से भी, जैसे मैंने कल इसके बारे में बताया था कि मारवणी का विरह वर्णन हिंदी साहित्य की एक अमूल्य धरोहर है, तो ये प्रश्न भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आज मैंने इसकी जो व्याख्याएं हैं उसका मैंने सरलार्थ बताया है, तो ये दोनों ही यानी इससे पहले भी एक लेक्चर हुआ था, एक व्याख्यान हुआ था, जिसमें मैंने ढोला मारोरा दोहा एक राजस्थानी सरस लोक गाथा है और उसके बाद में मारवणी का विरह वर्णन, और आज के इस व्याख्यान में मैंने आपको ये बताया कि इसकी व्याख्याएं बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, अच्छी हैं, और 150 दोहों में मारवणी का विरह वर्णन है जो राजस्थानी भाषा में है, जो बड़ा ही सरल है। तो प्रिय छात्रों, आज के इस व्याख्यान में इतना ही।